ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म अपने नाम की है। बॉलीवुड में एक दौर में उनका ऐसा जलवा था कि हर डायरेक्टर को वो पहली पसंद थी। जी हाँ, हर डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसी बेहद सफल फिल्में भी हैं जो उन्हें ऑफर तो हुई लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, और कुछ फिल्में ऐसी भी रही जिन्हें वो करना तो चाहती थी लेकिन किसी न किसी मजबूरी के कारण फिल्ममेकर्स को वो मना करती रही। जी हाँ, ये बात है साल 2014 में रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की। उन्हें ऑफर तो हुई थी पर उन्होंने फिल्म को अभिषेक बच्चन की वजह से मना कर दिया था। क्या यही था वो कारण? दरअसल इस चीज का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया है। बता दें चले कि हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीपिका पादुकोण मेल लीड रोल में थे, सोनू सूद भी थे और अभिषेक बच्चन के साथ तो एक्ट्रेस ने कई फिल्में की हैं, तो फिर उन्होंने फराह खान के निर्देशन में बनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को करने से इनकार क्यों किया? इस सवाल का जवाब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। उन्होंने फिल्म को छोड़ने की वजह अभिषेक बच्चन को बताया था। उन्होंने क्या कहा था आपको बताते हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में इस फिल्म के ऑफर के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, हाँ मुझे फिल्म ऑफर हुई थी और इसमें काम करती तो ये एक मजेदार ट्रिप जैसा होता, काफी मजा भी आता। शाहरुख जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन ये मेरे और अभिषेक बच्चन के लिए काम नहीं करती, ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में हमारी जोड़ी साथ नहीं होती। ऐश्वर्या राय ने कहा था कि फिल्म में शाहरुख के अपोजिट मुझे होना था और जो कि दीपिका पादुकोण है तो फिल्म में एक ही फिल्म में लीड है और अभिषेक के अपोजिट कोई नहीं, तो मेरे और अभिषेक के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाता कि मैं फिल्म में रहती और फिर अभिषेक के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होती। अभिषेक की भी फिल्म में रहते हुए मेरी जोड़ी किसी और के साथ बनती, इसीलिए मैंने फिल्म की कहानी सुनने के बाद इसे रिजेक्ट कर दिया। बताते चले कि फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन के अलावा बमन ईरानी, सोनू सूद, विवान शाह और फिल्म क्यों काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से जैकी श्रॉफ भी थे इस फिल्म में और फिल्म को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला लेकिन इस बार इसके बाद भी मेकर्स ने ठीक ठाक कमाई कर ली थी। अगर वर्क फिल्म की बात करें तो ऐश्वर्या राय पिछली बार साल 2023 में आई पनेलियन फिल्म 2 में नजर आई थी और तब से कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया है और वो पिछले कई साल से सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव फिल्में ही कर रही हैं। पिछले दिनों ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन दोनों अपने रिश्ते में चल रही उथल पुथल की अफवाहों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं, लेकिन बता दें कि जूनियर बी ने इन अफवाहों को ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने अपनी अंगूठी को दिखाते हुए कहा था कि मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। वैसे आपकी इस वीडियो राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेडीज सब लोगों को जाने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहने।